मित्रों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होम्योविजन पर। और आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसको हल्के में लेने की भूल कभी ना करें। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो संक्रमित पानी, खाना और संक्रमित मरीज के माध्यम से फैल सकता है। और इसका इन्फेक्शन एक साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। हालांकि इसके दो दो प्रकार हैं, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। पैराटाइफी के भी सब टाइप्स हैं। और ये संक्रमण हमारी आंतों को प्रभावित करता है। इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, मियादी बुखार भी बोलते हैं, आंतों का भी बुखार बोलते हैं। क्योंकि है तो ये मतलब इसका जो संक्रमण होता है आंतों पे ही होता है। और इसका जो प्रेवलेंस देखा जाए तो ये वर्ल्ड वाइड लगभग मान के चलिए कि करीब करीब 20-22 मिलियन लोग पर ईयर इससे संक्रमित होते हैं। और ये इतना खतरनाक है अगर देखा जाए तो, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ या अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो ये बहुत ही घातक होता है। इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 10% से लेकर 30% तक इसकी मोर्टेलिटी रेट जा सकती है अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो। और वहीं जब इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है या ट्रीटमेंट होने लगता है तो इसकी मोर्टेलिटी रेट घट के 1 से 3% पे आ जाती है। यानी ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है इसमें, और समय रहते इसकी पहचान और इस ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और हम आगे आपको बताएंगे इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसकी जांच जांच होनी चाहिए और क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, इस सब पे चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसका जो संक्रमण है ये खास तौर से साउथ एशिया या एशियन कंट्रीज में ही कह लीजिए, उस देशों को छोड़ के ये बहुत ज़्यादा होता है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा है। और जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही चीज़ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसे देशों में बहुत रेयर होता है, क्योंकि उनकी सैनिटेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। उनकी जो हाइजीन है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है, हम जब तक डरते नहीं हैं तब तक करते नहीं हैं। कोविड में सबने इस चीज़ को सीख लिया था, हैंड वॉश प्रैक्टिस सीख लिया था, कैसे सैनिटेशन करना है वो सीख लिया था। लेकिन बिन भय हो ही न प्रीत, जब भय था तो किया और भय खत्म हो गया तो छोड़ दिया। चलिए बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो फीवर आता है। एक तो ये कई तरह से भी रह सकता है। इसका जो पैटर्न है, शुरू में हाई राइज टेम्परेचर तक जाएगा, चिलनेस के साथ भी हो सकता है, बदन दर्द, कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा होती है इसके अंदर, और मतलब जोड़ जोड़ में भी दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकती है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। टाइफाइड का एक और भी इम्पॉर्टेंट साइन है रोज स्पॉट, यानी पिंक कलर के छोटे छोटे दाने जो है आपके एब्डोमिन पे और चेस्ट पे आने लगते हैं। ये भी इसका बहुत ही पेकुलियर साइन है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि टाइफाइड के केस में बहुत लो ग्रेड फीवर होता है, यानी ये कन्फ्यूज़न में रहता है कि बुखार है या नहीं है। लेकिन भूख नहीं लगना, वज़न कम होते जाना, कमज़ोरी बढ़ते जाना, कहीं कहीं ये भी टाइफाइड के सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर आपको हफ्ते दिन तक ऐसा लगता है तो एक बार आपको टाइफाइड की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। चूँकि आंतों से रिलेटेड है और आंतों में जो पेयर स्पैचेस होते हैं जो एक तरह से इम्यूनो सर्विलांस का काम करते हैं, ये उनको भी प्रभावित कर देते हैं। जब उनको प्रभावित कर देते हैं तो ये मैसेज ही नहीं जाता, हमारा शरीर जो है इससे लड़ने के लिए एक्टिविटी नहीं हो पाता है। इसलिए इसके सिम्टम्स को समझना ज़रूरी है और इसका समय रहते इलाज बहुत ही ज़रूरी है। तो रही बात ये सिम्टम्स की, लेकिन इसके सिम्टम्स जो है वो इनको 4 स्टेज में बांटा गया है।
फर्स्ट स्टेज में ये हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, बदन दर्द और पेट दर्द भी हो सकता है, कब्जियत भी हो सकती है, थोड़ा लूज मोशन भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो सेकेंड स्टेज में ये सारे सिम्टम प्रोग्रेसिव फेज में दिखेंगे और थर्ड वीक आते आते ये अपने कॉम्प्लिकेशन दिखाने शुरू कर देते हैं। इनका कॉम्प्लिकेशन और भी ख़राब होता है, ये आपके लंग्स तक को प्रभावित करता है, यानी निमोनिया भी करा सकता है, लीवर को प्रभावित कर सकता है, हेपेटाइटिस हो जाएगा, ये आपके कार्डियक मसल्स को भी प्रभावित कर सकता है, जिसे मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। मतलब इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ही डेंजरस है और सबसे ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन इसका फोर्थ स्टेज में जाके हो सकता है, फोर्थ वीक में, अगर ये अनट्रीटेड रहा तो। एक तो आंतों के अंदर जो है ब्लीडिंग होने लगती है, दूसरा सबसे डेंजरस है कि आंतों का परफोरेशन हो जाता है, यानी आंतों में छेद हो जाता है, वो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है और वो इतनी सेप्टिक कंडीशन हो जाती है कि उसी में सेप्टिक शॉक भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे कोई भी फीवर, नॉर्मल फीवर अगर आप नॉर्मल मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और चार दिन, पाँच दिन, छः दिन हो गया, नहीं ट्रीटमेंट हो पा रहा है इसका, नहीं ठीक हो पा रहा है और पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो लगभग मान के चलिए कि टाइफाइड हो सकता है। लेकिन इसके कंफर्मेशन के लिए आप विड्रॉल टेस्ट करा लीजिए, और भी सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं, टाइफी या टाइफी डॉट करके आता है, या फिर PCR है, एलिजा टेस्ट भी होता है, तो इन टेस्ट से आप कंफर्म हो जाएंगे। बात रही इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट वही है जब आपको पता है कि ये संक्रमित भोज्य पदार्थों से होता है, संक्रमित लोगों से भी हो सकता है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। हैंड वॉश प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप कहीं से आइए, हाथ धोइए, हैंड वॉश अच्छी तरह से कीजिए। आप सब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उसके पहले आप हैंड वॉश कीजिए, सब्जी को खूब अच्छे से वॉश कीजिए, उसके बाद कटने के बाद भी एक बार वॉश कर लीजिए और पूरी तरह से कुक कीजिए। अनकुक्ड भोजन भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। मैं बात करता हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहली मेडिसिन जिसकी मैं चर्चा करूँगा, जो टाइफाइड के लिए स्पेशली, मतलब इसको लगभग सभी लोग जानते हैं, बैप्टिसिया टिंक्टोरिया के नाम से आता है। तो बैप्टिसिया का फीवर बहुत हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, मस्कुलर सोरनेस बहुत ही ज़्यादा होगी और इसका जो डिस्चार्ज होता है, सारे डिस्चार्जेस के बहुत ही ऑफेंसिव होते हैं, चाहे वो पसीना हो, पेशाब हो, स्टूल हो या फिर हमारे सांसें हो, सांसों से भी बदबू आने लगती है और ये डिलीरियम के स्टेज में चला जाता है। कभी कभी तो जब आप सवाल पूछेंगे तो ये बोलते बोलते सो जाता है। तो इस तरह का जो इसके सिम्टम्स आते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है इस मामले में, टाइफाइड के केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बात करते हैं रास्टॉक्स के बारे में। इसमें फीवर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, एक प्लेस पे ये रुक ही नहीं सकता है। इतनी बेचैनी होती है कि ये इधर उधर करता रहेगा, और इसको इसलिए ऐसा करता है कि इसको मोशन से रिलीफ मिलता है। इसमें भी बदन दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है और इसमें भी फीवर के साथ लूज स्टूल हो सकता है। रात में बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है और इसी घबराहट के कारण ये सो नहीं पाता है। इसको मतलब अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले चीज़ों को सोच के इसके अंदर एक ऐसा फियर हो जाता है जिसके चलते इसकी दिक्कतें रात में बढ़ जाती हैं। रस्टक्स के बाद आर्सेनिक का बहुत ही अच्छा रोल है। आर्सेनिक में फीवर के साथ बेचैनी होगी, घबराहट होगी और डर तो इतना होता है कि अब ऐसा लगेगा जिससे अब हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, तो इस तरह की दिक्कतें इसमें आती हैं। इसका जो थर्स्ट होता है वो भी बहुत पिकुलियर होता है, स्मॉल क्वांटिटी में पानी पिएगा, एक एक घूट पानी पिएगा, जल्दी जल्दी पानी पिएगा, और इसमें बेचैनी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें इसको अलटने पलटने से कोई रिलीफ नहीं मिलता है।
क्योंकि मेंटली बेचैन होता है और रस्टक्स जो है वो फिजिकली रहता है, उसको दिक्कत होती है सब। आर्सेनिक का पेशेंट ये सोचता है कि मेडिसिन लेना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं है। बात करते हैं आर्निका की। आर्निका भी एक टाइफाइड की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फीवर के साथ साथ इसमें बदन दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बदन दर्द जैसे लगता है कि किसी लाठी डंडे से पीट दिया गया हो, इस तरह का फीलिंग आती है। और इसमें सर गर्म और शरीर ठंडा रहता है, और जब भी कोई नज़दीक जाता है तो ये उसे दूर से ही रोकता है। इसमें फियर ऑफ टच बना रहता है, जिस साइड भी ये लेटेगा उधर का शरीर पूरा इसका दर्द करने लगता है, इसलिए अक्सर ये पोजीशन चेंज करता रहता है। और इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है, वो अनकॉन्शस की तरह पड़ा रहता है, लेकिन जब भी आप कुछ पूछेंगे तो वो एकदम करेक्टली जवाब देगा, लेकिन फिर उसी कंडीशन में चला जाता है। अब बात करते हैं पायरोजेन की। पायरोजेन को होम्योपैथिक की ग्रेट एंटीसेप्टिक, डायनामिक एंटीसेप्टिक मेडिसिन मानी जाती है, यानी किसी भी सेप्टिक कंडीशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइफाइड की। फीवर के साथ साथ पायरोजेन में भी घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, बदन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे फीवर बढ़ेगा इसको पसीना भी बहुत होगा, लेकिन पसीने से इसका टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये टेम्परेचर को डाउन नहीं करता है, इस तरह का पसीना होता है। दूसरा, इसके भी डिस्चार्जेस बहुत ऑफेंसिव होते हैं, चाहे वो पसीने का हो, चाहे ब्रेथ का हो, या स्टूल का हो, या यूरिन का हो, बहुत ही ऑफेंसिव होता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, और ये जिस साइड में लेटेगा वो बिस्तर जो है उसको बहुत इकड़ा मालूम होता है, बेड हमेशा इसको हार्ड फील होता है, इसलिए ये अपनी पोजीशन बदलता रहता है, और इसको भी मोशन से रिलेट मिलता है। ओपीएम के केस में भी पेशेंट को आप बेड पे कुछ सर्च करते हुए देख सकते हैं। वो ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि उसको बिस्तर पे ऐसा लगता है जैसे कहीं पे कुछ गर्म चीज़ रखी हो, जैसे ही वो लेटता है उसको गर्म फील होता है, यानी बेड फील्स टू हॉट। और पायरोजेन में क्या होता है कि बेड फील्स टू हार्ड, ये दोनों में अंतर है। और कॉन्स्टिपेशन दोनों में बहुत सीवियर होता है, शुरू में ये इंडिफरेंस होता है, इसको जिस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है इसके प्रति उदासीन होता है, जब कंडीशन ख़राब होती है तब ये आता है। तो ये रही कुछ मेडिसिंस की बात, मेडिसिंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन साथ में इन मेडिसिंस के साथ अगर आप कुछ मदर टिंचर्स का यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये क्लिनिकली ऐसा देखा गया है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा अक्सर देखा है। आप जो भी सेलेक्टेड मेडिसिन हो साथ लीजिए, और उसके साथ चिरायता का मदर टिंचर, और अगर चिलीनेस है तो इचिनेशिया और टिनस्पोरा का मदर टिंचर ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप यूकेलिप्टस और चिरायता का भी मदर टिंचर ले सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसको आप बना सकते हैं और इसका प्रयोग किया जा सकता है। आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।